नमस्कार, हमारे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का 14वां पाठ महाराष्ट्र राज्य का निर्माण, इस पाठ के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। 1 मई 1920 को राज्य का निर्माण हुआ। गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र आएगा, उत्तर सही है। मुंबई नगर निगम में मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र का प्रस्ताव नहीं रखा। माणखोलकर आचार्यत्रे, दवापोदा शंकर राव देव आचार्यत्रे, यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान में। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला यशवंतराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, बिलासराव देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, यहाँ उत्तर आएगा। निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट लिखो। संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया, का उत्तर है संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना। यहाँ से संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना, मराठी भाषी जनता की संयुक्त महाराष्ट्र की मांग की समस्या गंभीर बनती गई। पूरे राज्य में असंतोष धधक रहा था। 6 फरवरी 1956 को केशवराव जेदे की अध्यक्षता में पुणे के तिलक स्मारक में मंदिर में सभा में समिति ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। इसके अनुसार कामराज त्रिपाद डांगे की अध्यक्ष पद पर, डॉक्टर तिरम नरवणे की उपाध्यक्ष पद तथा एस एम जोशी के सचिव पद पर नियुक्त की गई। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलनों में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसका देखो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ से मराठी समाचार पत्रों और शाहिरों शौर्यगान गाने वाले का कार्य, इस आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रबोधन केसरी, नवाकाल, नवाकाल, नियोलुक, प्रभा जैसे अनेक समाचार पत्रों ने जनजागरण का कार्य किया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में आचार्य अत्रे के मराठा समाचार पत्र ने उल्लेखनीय कार्य किया। बाला साहेब ठाकरे ने मावड़ा उपनाम से कार्टून बनाकर जन आंदोलन को व्यापक बनाया। लोक शाहिर अन्नाभाऊ ठाठे, शाहिर अमर शेख और शाहिर दाना गवानकर ने अपनी लेखनी द्वारा व्यापक रूप से जनजागरण किया। टिप्पणी लिखो। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद को टिप्पणी लिखना है, यहाँ आइए, ये देखिए पेज क्रमांक 62 पर। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद 28 जुलाई को मुंबई में शंकर राव देव की अध्यक्षता में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद आयोजित की गई। इस परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि मराठी भाषी प्रदेशों का एक प्रांत बनाया जाए और उसमें मुंबई मध्य प्रांत के मराठी भाषी तथा मराठवाड़ा और गोमांतक के मराठी भाषी क्षेत्रों का समावेश किया जाए। अगला प्रश्न है संयुक्त महाराष्ट्र समिति का योगदान। संयुक्त महाराष्ट्र समिति का योगदान यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए। 6 फरवरी 1956 को केशवराव जेदे की अध्यक्षता में पुणे के तिलक स्मारक मंदिर में सभा हुई। इस सभा में समिति ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। इसके अनुसार कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे के अध्यक्ष पद पर, डॉक्टर त्रम्बेडकर त्रमरा नरवणे की उपाध्यक्ष पद पर तथा एस एम जोशी की सचिव पद पर नियुक्ति की गई। समिति के गठन में त्रिमान खोलकर, आचार्य अत्रे, मधु दंडवते, प्रबोधन कार केशव ठाकरे, यकी सोनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ सेनापति बापट, कांति सिंह नाना पाटिल, लालजी पेंसे, अहिल्याबाई रांगणेकर ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रश्न 4, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। सचिव किसके सचिव? संयुक्त महाराष्ट्र समिति के सचिव। सचिव थे एस एम जोशी, अध्यक्ष श्रीपाद अमृत डांगे और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर त्रयम रा नरवणे। इस प्रकार से इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।